अगेन के साथ भूल भुलैया 3 का क्लैश होना अभी फिलहाल टॉक ऑफ टाउन बन चुका है। पर क्या इस वजह से कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 3 ऋतिक रोशन का रिकॉर्ड तोड़ पाने में असफल साबित होने वाली, और क्या होगा जब ये फिल्में दिवाली पर एक दूसरे का आमना सामना करेंगी? फैंस इस बार अजय देवगन की सिंघम को चूज करेंगे या फिर कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया, क्योंकि दोनों ही फिल्में सबकी चहेती हैं और दोनों ही फिल्में बड़े बैनर तले बनी। दरअसल कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 3 इस दिवाली धमाका करने जा रही। साल 2022 की ब्लॉकबस्टर भूल भुलैया 2 की सीक्वल और साल 2007 में आई अक्षय कुमार की भूल भुलैया फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म यानी भूल भुलैया 3 से काफी उम्मीदें। पर इसके साथ जिस फिल्म का क्लैश है वो भी कोई आम फिल्म नहीं है, वो भी एक बड़े फ्रेंचाइजी की फिल्म है। वहीं उम्मीद की जा रही है कि अजय देवगन स्टारर सिंघम अगेन से महा क्लैश के बावजूद अनीस बज्मी की ये फिल्म अच्छा बिजनेस कर सकती है। मेकर्स के बीच तमाम बातचीत होने के बावजूद रोहित शेट्टी की सिंघम और अनीस बज्मी की भूल भुलैया का क्लैश नहीं टाला जा सकता, तो ये बात तो पक्की है कि दर्शक बटने वाले हैं। वहीं बात करें पहले दिन की कमाई के मामले में कौन सी फिल्म बाजी मारेगी, ये तो इनके एडवांस बुकिंग और मिलने वाले थिएटर्स की संख्या पर डिपेंड करता है। पर इन दोनों बड़े फ्रेंचाइजी वाली फिल्मों के क्लैश से पहले, या कहें तो महा क्लैश से पहले, टी सीरीज ने आखिर कौन सी डिमांड रख दी है, चलिए आपको उस बारे में बताएंगे। बात करें दोनों फिल्मों की तो दोनों फिल्मों को लेकर काफी ज्यादा बज बना हुआ है। भूल भुलैया 3 और सिंघम अगेन के मेकर्स ने बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई करने के लिए कमर भी कस ली। दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर लड़ने के लिए तैयार है। इसी बीच टी सीरीज जो भूल भुलैया 3 को प्रोड्यूस कर रही है, उन्होंने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग से संपर्क किया। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक रोहित शेट्टी और सिंघम अगेन के मेकर्स ने भारत की सबसे बड़ी थिएटर चेन PVR आईनॉक्स को अपनी फिल्म के लिए 60% शो एलोकेट करने के लिए राजी कर लिया। इसके अलावा कुछ सिंगल स्क्रीन थिएटरों को भी सभी शो सिंघम अगेन को डेडिकेट करने के लिए कहा गया। जब दो बड़ी फिल्में क्लैश होती हैं तो प्रोड्यूसर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स को कन्विंस करने में लगे हुए। वहीं भूषण कुमार की टी सीरीज ने स्क्रीन एलोकेशन डिस्प्यूट में हस्तक्षेप करने के लिए कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी CCI का दरवाजा खटखटाया। प्रोडक्शन हाउस इंडिया में मेन सिनेमाघरों में 50-50 स्क्रीन के बंटवारे की मांग कर रहा है। वहीं CCI एक नियामक संस्था है जो हेल्दी कंपटीशन के माध्यम से आर्थिक विकास और उपभोक्ता कल्याण को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार। वहीं भूल भुलैया 3 एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है जिसमें कार्तिक आर्यन रू बाबा के किरदार में नजर आने वाले हैं और विद्या बालन और माधुरी दीक्षित मंजुलिका के किरदार में नजर आएंगे। वहीं इस फिल्म को अनीस बज्मी ने डायरेक्ट किया है। वहीं सिंघम अगेन की बात करें तो इसमें अजय देवगन के साथ करीना कपूर, रणवीर सिंह, अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, अर्जुन कपूर, दीपिका पादुकोण समेत कई कलाकार अहम किरदार निभाते नजर आने वाले। वहीं फिलहाल टी सीरीज की तरफ से ये डिमांड रखी गई है कि रोहित शेट्टी की फिल्म सिंघम ने जिस तरह 60% एलोकेशन लिया है वो सही नहीं है और उन्हें दो बड़ी फिल्मों के क्लैश के लिए 50-50% एलोकेशन देना चाहिए। आप इस बात से कितने सहमत हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी तरह बॉलीवुड की हर खबर को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बॉलीवुड केसरी। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।